प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का अपना 3 दिनों का दौरा कर अब स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे को बेहद कामयाब बताया। इस दौरान उनकी मुलाकात क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से इसी साल 3 महीनों में तीसरी बार हुई। लेकिन 3 दिनों का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना कामयाब रहा, जिसमें उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है यानी भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनसे भी बातचीत की और भारत की शक्ति के बारे में और भविष्य का रोडमैप भी बताया। देखिए, डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों का अमेरिकी दौरा खत्म कर भारत लौट रहे हैं। इस बीच उन्होंने इस दौरे को कामयाब बताते हुए ये वीडियो जारी किया। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? सबसे पहले उन्होंने क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 million के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। अगला कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से मुलाकात का था। और फिर अमेरिकी सीईओ से सीधी बात। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू मेक श्योर अल्टीमेटली AI इज देयर टू बेनिफिट द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज India's moment. You have to seize the opportunity. We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man. Pradhan Mantri Modi ne kai dvipakshiya mulaqatein ki, Japan ke saath, Australia ke saath, Nepal, Kuwait aur Palestine ke saath. Yahi nahi, साल में तीसरी बार वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिले और फिर दुनिया के सामने भविष्य की चुनौतियों पर यूएन को संबोधित किया। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। आज तक ब्यूरो।